बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ़र्क कुनिंदा और फ़र्क कुनिंदा के ज़रिए से दो दर्जी मसावात के रूट्स की नौइयत पर बहस की थी। आज हम देखते हैं कि दो दर्जी मसावात के रूट्स की नौइयत मालूम करके, नौइयत मालूम करेंगे दो दर्जी मसावात के रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से, और उसके बाद उस दो दर्जी मसावात को हल करके देखेंगे कि आया जो नौइयत हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से मालूम की है वो दुरुस्त है, उसकी तस्दीक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। तो पहली एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 3x की 2 जमा 2x नफी 4। मयारी सूरत से मवाजना कर ले, मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के, a 3 है, b जमा 2 है और c मनफी 4 है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं नौइयत मालूम करने के लिए, b² - 4ac इज इक्वल टू 2² - 4 इंटू ए 3, c की वैल्यू -4, 4 + 48 इज इक्वल टू 52 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स की नौइयत क्या होती है कि रूट्स हकीकी और गैर मसावी होंगे। अब इसकी पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम पड़ताल के लिए इस मसावात को का हल निकालेंगे। देखिए ए बी सी तो आए भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल कर लें, दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करने से, दो दर्जी कुलिया है क्या, एक्स बराबर है मनफी बी जमा नफी जजर में बी की 2 नफी 4 ए सी आर बटा 2 ए। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, एक्स बराबर है मनफी बी की वैल्यू क्या है 2 जमा नफी जजर में 2 की ताकत 2 नफी 4 ए की कीमत क्या है 3 आर सी की कीमत मनफी 4 बटा 2 और ए की कीमत 3। एक्स बराबर है मनफी 2 जमा नफी जजर में 4 जमा 48 बटा 6, तो x बराबर है मनफी 2 जमा नफी जजर में 52 बटा 6। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 ज़रब 13 और डिवाइड हो रहा है 6 से। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी 4 का जजर 2 जबकि 13 का मुकम्मल जजर नहीं निकलता। एक्स बराबर है 2 मुश्तरक ले ले मनफी 1 जमा नफी जजर में 13 बटा 6, 2 3 6 को कैंसिल करेगा तो नीचे 3 आ जाएगा, मनफी 1 जमा नफी जजर में 13 बटा 3। तो आपने देखा दो रूट हमारे पास आए हैं, एक रूट हमारे पास है मनफी 1 जमा जजर में 13 बटा 3 और दूसरा रूट हमारे पास क्या है, एक्स बराबर है मनफी 1 मनफी जजर में 13 बटा 3। देखिए जब ये 13 का जजर निकलेगा मनफी 1 ये जमा का या मनफी का और तकसीम करेंगे 3 तो जो वैल्यू आएगी वो इससे मुख्तलिफ होगी क्योंकि ये मनफी में है ये भी मनफी में, तो ये दोनों रूट्स क्या हुए मुख्तलिफ हुए और हकीकी भी हैं। ठीक है,
तो पस साबित हुआ के दी गई मसावात के रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके भी रूट्स की नौइयत मालूम करते हैं किस तरह मयारी सूरत से मुवाजना कर ले। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 4 जमा का, और सी की वैल्यू भी 5 जमा का। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी की ताकत 2 नफी 4, ए सी बराबर है 4 की ताकत 2 नफी 4, ए 1 सी 5। 16 4 की ताकत 2 नफी 20 बराबर आया है मनफी 4 जो कि लेस देन 0 है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि बी की 2 नफी 4 ऐसी बराबर है मनफी 4 जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स तसव्वुराती यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और गैर मसावी होंगे। अब इसके लिए हम पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप देखें वेरिफिकेशन करनी है हमने इसके हल करके इस इक्वेशन को, तो इसमें देखें ए बी सी की वैल्यू भी हमने मालूम की हुई है, सिर्फ हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं मनफी बी जमा नफी जजर में बी की 2 नफी 4 ए सी रूट फाइंड करते हैं इस फार्मूले के ज़रिए से इस इक्वेशन के। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू देखे 4 है मनफी 4 जमा नफी जजर में 4 की ताकत 2 नफी 4 जरब 1 और सी क्या है 5। आप डायरेक्टली यहां से इस वैल्यू को भी उठा सकते हैं क्योंकि देखे यही डिस्क्रिमिनेंट है, हमें हम डायरेक्टली यहां पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं, यहां पर रखकर चेक कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूले में। यहां पर देखें क्योंकि हमने इसको फाइंड किया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, यही डिस्क्रिमिनेंट है -4 जमा नफी मनफी 1 जरब 4 बटा 2। एक्स बराबर है मनफी 4 जमा नफी मनफी 1 किसके बराबर होता है, आयोटा की ताकत 2 जरब 4 बटा 2। 9th में हम कंप्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं और उसमें हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो मनफी 1 होती है और यही आयोटा उस नंबर को कंप्लेक्स नंबर बनाता है। तो यहां पर देखें x बराबर है मनफी 4 जमा नफी 2 आयोटा स्क्वेयर 4 का जजर 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 मुश्तरक ले लें मनफी 2 जमा नफी आयोटा रह गया तकसीम 2। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी आयोटा। आप देखें कि रूट्स हमारे पास क्या आए हैं, पहला रूट क्या है हमारे पास x बराबर है मनफी 2 जमा आयोटा और दूसरा रूट क्या है हमारे पास x बराबर है मनफी 2 मनफी आयोटा। आप इन रूट्स को देखें, आयोटा हमें बता रहा है कि ये एक तसव्वुराती रूट्स है, और जमा आयोटा और मनफी आयोटा हमें बता रहा है कि ये रूट्स है मुख्तलिफ गैर मसावी है। तो पस तस्दीक हुई यानी पस साबित हुआ के दी गई मसावात के रूट्स
गैर हकीकी यानी तसव्वुराती और गैर मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं और अपने तसव्वुर को मजीद वासे करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। मयारी सूरत से मवाजना कर लें, मयारी सूरत से मवाजना करने से ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी, ये मयारी सूरत है। हमारी इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है? जमा एक, बी मनफी छः, सी जमा नौ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी की ताकत दो नफी चार ए सी बराबर है बी की वैल्यू मनफी छः की ताकत दो मनफी चार ज़रब एक ज़रब नौ। छत्तीस मनफी छत्तीस सिफर। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा बी की दो माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स प्लस रूट्स हकीकी और मसावी होंगे। जो दो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो हकीकी और मसावी होंगे। इसके लिए हम इसकी पड़ताल करते हैं। देखें, पड़ताल के लिए दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करेंगे। मनफी बी जमा नफी जजर में बी की दो नफी चार ए सी तकसीम किया दो ए सी। देखिए, ये बी की दो नफी चार ए सी तो निकाला हुआ है, यहाँ पर हम मनफी और बी की वैल्यू क्या है? ये मनफी छः है, तो यहाँ पर ये फार्मूले का मनफी है और ये बी की वैल्यू है। जजर में सिफर दो ज़रब एक एक्स बराबर है, ये मनफी मनफी जमा छः और जमा नफी सिफर बटा दो एक्स बराबर है छः। जमा नफी सिफर, सिफर के साथ जमा नफी सिफर ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? छः बटा दो एक्स बराबर है तीन। तो ये दो रूट्स हैं, ठीक है। एक जमा की हालत में से आना था, एक मनफी से आना था। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो वैल्यू एक्स की तीन आई है, तो दो रूट्स हैं और दोनों ही रूट्स क्या हैं? मसावी हैं। अगर आप इसको देखें और वाजे करते हैं, इसे देखें और वाजे मैं करता हूँ कि आप जमा नफी ज़ीरो के साथ ले लें कि जी पहला रूट है एक्स बराबर है छः जमा का जमा सिफर बटा दो, तो आप देखते हैं छः बटा दो बराबर है तीन। दूसरा रूट ले लें मनफी के साथ, एक्स बराबर है छः मनफी ज़ीरो बटा दो बराबर है छः बटा दो बराबर है तीन। तो आपने देखा दोनों रूट्स जो है वो एक तो हकीकी है और दूसरे नंबर पर मसावी है। बस साबित हुआ, बस साबित हुआ कि दी गई दो दर्जी मसावात के रूट्स हकीकी और मसावी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रूट्स की नौइयत के बारे में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। के की कीमत मालूम करनी है जो कि इस इक्वेशन में के मौजूद है, जबकि ये मसावात, इस मसावात के जो रूट्स हैं वो मसावी हैं। किस तरह हल करेंगे? आप देखें के एक्स एक्स मनफी दो जमा छः, ये हमारी इक्वेशन है।
मल्टीप्लाई कर दें के एक्स की दो मनफी दो के एक्स जमा छः बराबर है सिफर। अब आप देखें कि ये मयारी सूरत की हालत में मसावात आ गई। मवाजना कर लें मयारी सूरत से, मयारी सूरत से मवाजना करने से, क्योंकि हम दो दर्जी मसावात के मुतालिक पढ़ लें तो हमें दो दर्जी मसावात की मयारी सूरत से मवाजना करना है। ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है सिफर। ए देखें यहाँ पर के है जबकि बी की वैल्यू है मनफी दो के, और सी जो है वो जमा छः। डिस्क्रिमिनेंट को हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी की ताकत दो नफी चार ए सी बराबर है क्या होगा, मनफी दो के बी की ताकत दो मनफी चार ए क्या है, एक की वैल्यू के जबकि सी छः है, तो ये मनफी की ताकत दो जमा चार के की दो नफी चौबीस के, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हुई। अब देखें अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते, उसने कहा है कि के की कीमत मालूम करें, जबकि हमें इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि के की कीमत मालूम करनी है जबकि रूट्स मसावी हैं। अब हम देखते हैं कि हमने रूट्स की नौइयत के बारे में पढ़ा है, तो रूट्स की नौइयत में रूट्स कब मसावी होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे कि चूंकि रूट्स मसावी हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, लिहाजा क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी की दो नफी चार ए सी बराबर होगा सिफर के, तो उसकी वैल्यू हम सिफर के बराबर रख देंगे, चार के की दो नफी चौबीस के बराबर है सिफर, चार के मुश्तरक ले लेते हैं, के मनफी छः बराबर है सिफर, फर्स्ट फोर के फर्स्ट फैक्टर जीरो के इक्वल, तो के किसके इक्वल आता है, जीरो डिवाइडेड बाय फोर, देयरफोर के इज इक्वल टू सिफर। सेकंड पर हम रखते हैं के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकंड फैक्टर जीरो के इक्वल, के इज इक्वल टू माइनस सिक्स राइट साइड पर प्लस सिक्स। तो आपने देखा कि के की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू सिक्स है और दूसरी वैल्यू जीरो है, जो इस अगर हम इस इक्वेशन में जीरो रिप्लेस करें और सिक्स रिप्लेस करें तो ये इस इक्वेशन के रूट्स मसावी होंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। पी की किस कीमत के लिए दी गई मसावात 2x की 2 जमा 2x जमा पी बराबर है सिफर के रूट्स हकीकी हों, तो इसके हल के लिए हम मसावात लेते हैं 2x की 2 जमा 2x जमा पी। पी की मुमकिना कीमत हमने मालूम करनी है, मयारी सूरत से मवाजना कर ले, मयारी सूरत से मवाजना करने से ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है सिफर। ए बराबर है दो, बी बराबर है दो, सी बराबर है पी। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं,
बी की दो नफी चार, ए सी डिस्क्रिमिनेंट होता है। दो की ताकत दो नफी चार दो जरब पी, चार नफी आठ पी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में कि रूट्स हकीकी कब होते। रूट्स हकीकी दो सूरतों में होते हैं। वो पहली शर्त तो क्या है कि बी की दो नफी चार ए सी जीरो से ग्रेटर हो, और दूसरी शर्त है कि ये जीरो के इक्वल हो। ये वो दो शरायत हैं जिसमें रूट्स हकीकी होते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें दोनों शरायत को, तो ये इस हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि चूंकि दी गई मसावात के रूट्स हकीकी हैं, लिहाजा बी की दो नफी चार ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, चार नफी आठ पी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ हम आठ पी जमा करते हैं। चार बड़ा है बराबर है आठ पी के, दोनों तरफ आठ से तकसीम करते हैं। अब पी की वैल्यू मुमकिना क्या हुई, आर करके इसको क्या लिखते हैं कि पी इज लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू। ठीक है, यानी पी की क्या मुमकिना कीमतें हो सकती है, वन बाई टू के इक्वल भी हो सकता है और वन बाई टू से लेस जितनी वैल्यूज होंगी वो हमें अगर हम यहां रिप्लेस करेंगे पी की जगह पर, तो हमें जो रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के वो हकीकी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन क्वेश्चंस की मदद से और जो हमने एग्जांपल्स की रूट्स की नौइयत और रूट्स की नौइयत की पड़ताल किस तरह मुमकिन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।